तुम फिर आ गए यार। तुम फिर आ गए। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। तुम दोबारा आ रहे हो? जी मैं, देखिए आ रहे हो, मैं आपके इलाके में खड़ा हुआ हूँ। जीतेगा भी जीतेगा, चौधरी हमारा जीतेगा, आएगा भी आएगा, चौधरी हमारा आएगा। क्या करोगे तुम आने के बाद? देखो वो मैं ही चौधरी हूँ जिसके नारे मैं लगा रहा हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से हरी मिर्चे में आप सबका खुश आमदेद। हाँ जी शकील, हम थर्ड अंपायर के पास से वापस आ गए हैं। क्या ख्याल है आप दोनों का? अपना जाहिद भाई और सलमान भाई, मेहमान बुला लिए जाए। खातिम हज़रात, अब हमारे इस वक्त में वक्त हो गया है मेहमान का। आज हमारे बहुत ही खास मेहमान है और सियासत की दुनिया में एक मुतबर और मुस्तनद नाम, हमेशा सच बोलते हैं और बोल्ड, बहुत ही खुले दिल से बोलते हैं और डरते नहीं है, बहुत ही निडर और दिलेर हैं। तशरीफ लाता, आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ लाता, घर बैठ के तालियों। जी सर, खुश आमदीद हरी मिर्चे में। हमारे शो का नाम हरी मिर्चें, लेकिन हम मिर्चों वाली कोई बात नहीं करते हैं। हमारे मिर्चों में मिठास है। ये पहली मिर्चें, ये चाइना की मिर्चें हैं। तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम अपने शायरों से कहेंगे कि उन्हें वेलकम करें। हमारा ताल्लुक शेख साहब से माशाल्लाह कई हवालों से है, बहुत पुराना। तो इस हवाले से मैं आज एक हवाला नया बना है। दोस्तों तुमने सुनी आज ये दुनिया की न्यूज़, नहीं सुन पाए तो मैं तुमको ये देता हूँ नवीद। वाह। दोस्तों तुमने सुनी आज ये दुनिया की न्यूज़, नहीं सुन पाए तो मैं तुमको ये देता हूँ नवीद। आज मौजू इलेक्शन है हरी मिर्चे में, आज मौजू इलेक्शन है हरी मिर्चे का, बनके मेहमान है यहाँ आए हुए शेख रशीद, बनके मेहमान है यहाँ आए हुए शेख रशीद। मरहबा कहते हैं लाहौर में पिंडी के सपूत, मरहबा कहते हैं लाहौर में पिंडी के सपूत, आपके आने से दुनिया का बड़ा रंग मजीद, आपके आने से दुनिया का बड़ा रंग मजीद, आपके आने से दुनिया का बड़ा रंग मजीद। थैंक यू शेख रशीद। सर आपका ताल्लुक रेलवे से रहा है बहुत, और अब जो रेलवे के हालात हैं, मेरे ख्याल में रेल जो है बाकायदा गायब होने शुरू होगा, ऐसा लगता है कि है ही नहीं। आप क्या कहेंगे, क्या हम फिर कर सकेंगे, ट्रेनें चल सकेंगी उस तरह से जिस तरह चलती थी? चल सकती हैं अगर जज्बा हो, हिम्मत हो, कोई करना चाहता हो और कमीशन खाने या मारने का शौक ना हो और लोगों का दर्द हो, सिर्फ किराया बढ़ाना ही एक हल ना हो। और रेलवे में बड़ी डेप्थ है, रेलवे अंग्रेज़ आपने ठीक कहा, हमारा मैदा बहुत बड़ा है। कोई 8,500-9,000 किलोमीटर वो पटड़ी छोड़ के गया था, 7,500 किलोमीटर रह गई, 1,000 किलोमीटर पटड़ी हम खा गए हैं 60 सालों में, मैदा हमारा बड़ा मजबूत है। क्या मतलब, कौन सी वो जो हाजमे की जो दवाई होती है हमें भी बता दें वो सियासतदान। ये बड़े लोगों के पास है, गरीब को ये ख्वाब नहीं देखना चाहिए वरना आपको 10 लग जाएंगे। ये बात बाद तुम कुछ कहना चाहोगी? शकील एक कायदे पे एक सवाल करूंगी कि जो मुस्लिम लीग में कायदा आ गया है, कभी नून काफ ऐन, ये हमारी समझ में तो नहीं आ रहा, आप इसको हमें समझा दें जरा प्लीज। बस एक तो बड़े लोगों वाला कायदा है। अच्छा, जो ABC वाला है जिसमें बड़े नाम है, बड़ी शोहरत है, बड़ा वलवला और दबदबा है। एक अलफ अनार और बे बकरी वाला जो हमारी मुस्लिम लीग है वो तो समझ आते हैं जी। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे ये अलफ अनार और ABC का कोई बामी जंक्शन कहीं मिले। अगर नहीं मिलेगा तो अलफ अनार वाले एप्पल वाले और अलफ अनार वाले दोनों ही धक्के खाएंगे। नहीं, वो ये AB वाला, आपका क्या मुराद है कि ये कायदे जो AB वाले ये अमेरिका से है? नहीं, अमेरिका के आए तो नहीं है उसके, अब अमेरिका खुद नहीं, अमेरिका का असर ही इतना है कि हज़ारों मील से भी वो असर करता है, सेटेलाइट के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए, और उसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लुएंस एजेंट। सो बाज़ एजेंट नहीं होते, इन्फ्लुएंस एजेंट होते हैं, ये इन्फ्लुएंस एजेंट है। ये जो कायदा है ना, फिर भी गनीमत है, ये कायदा ना हो तो अलकायदा वाले आ जाएं, अल्लाह उससे बचाए। हमारे लीडरान कौमी कहलाते हैं अपने आपको, कौमी लीडरान। आज नहीं लगता कि हम कौम की बात नहीं करते हैं, सूबों की बात कर रहे होते हैं? जो जहाँ का लीडर है वो अपने सूबे की बात कर रहा है। अगर सूबे की भी गायब हो गई है, अगर सूबे की भी करे तो चलो थोड़ा बड़ा उसका वीएन है, यहाँ तो जात की बात कर रहे हैं। मैं, वही जात में, मेरी औलाद, सुबह से निकल के अब जात में आ गए। मेरी खाला का बेटा,
हम तो कह रहे हैं कि ये खानदानों की सियासत है, नस्ल दर नस्ल, और अगली औलाद भी इनकी करप्ट है। ये होता ना कि चलो यार इसके बाद कोई नेक सीरत और बड़े गरीब परवर और दर्द रखने वाले, अब देखेंगे जल्द केसेस खुलेंगे, इनके सारी औलाद भी केसेस में आएगी, क्योंकि इनको एक ही काम आता है। और जिसको जितनी करप्शन आती है पाकिस्तान में, अगर किसी ने करप्शन में पीएचडी की हो और अगर उसका तल्लक मुल्तान से हो, तो मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत यहाँ नौकरियाँ अवेलेबल है। फिर बात आ गई शकील साहब, एक सवाल मैंने भी पूछना है। पूछ लीजिए आप। ये किसी से नहीं डरते, ये हमेशा कहते मैं किसी से नहीं डरता, ये शादी से क्यों डरते? वो यार सवाल है, वो आप ना कीजिएगा। मैं चलिए वो लगे तो पूछ लेता। आज इनसे ये पूछे शादी से क्यों डरते? हिंदुस्तान में सलमान खान ने टेंशन दी हुई है पूरे हिंदुस्तान को, आपने हमें दी हुई है, क्या वजह है? सलमान खान भी आपसे लगता है इंस्पायर हो गया? नहीं, हमसे वो भी वादे कर करके वो नहीं कर रहा है शादी, वहां की कौम पूरी टेंशन में, ये कब करेगा? नहीं, आप कब करेंगे सर? देखें, शायद बाज लोगों की कामयाबी का राज ही ये हो, सलमान खान का भी ये हो कि उसने शादी नहीं की, वरना वो भी आउट हो जाता है इस स्क्रीन से। तो आप उस बात पे वो नहीं मुत्तफिक के किसी कामयाब आदमी के कामयाबी में आप पीछे औरत का हाथ होता है? ऐसे ही पुराने रजिया भट्ट का नावल है ये। रजिया भट्ट का नावल, हाँ मैं समझता हूँ। कहते ना कि एक औरत का हाथ होता है, बर्बादी में कई औरतों का होता है। यहाँ एक के पीछे कई कई औरतें हैं, तो उनका तो कुछ नहीं बना। एक औरत तो एक औरत है, लोगों ने कई कई जिनकी सपोर्ट में है, उनका कुछ नहीं बन रहा। सो ये कहना कि किसी औरत, आप भी कह दीजिए चले दो चार साल में कर लूंगा। इससे पहले ज्यादा औरतों की बात हो, मैं आपसे जरा एक और सवाल कर लूं। आपसे माशाल्लाह और भी बहुत से लोग इंस्पायर होंगे, सियासत में आप किससे इंस्पायर हैं? सियासत में मैं जिस आदमी से इंस्पायर हुआ था उसका सियासत में कोई नाम नहीं है, वो लोगों ने उसको बहुत उसका नोटिस ही नहीं लिया। वो गुजरात के एक गांव से खाकसार लीडर था, मेरे साथ निज़ाम मुस्तफ़ा की जेल में, शाहपुर जेल में था। सो मैंने उसकी ज़िंदगी, उसका जेल काटने का अंदाज़ जब देखा, तो ना सिर्फ उनसे इंस्पायर हुआ बल्कि मैं 15-20 दिन गुजर गए तो मैं घर में था, मैंने जेल में फ़ोन किया तो पता लगा रहमत साहब अभी तक जेल में हैं। मैंने कहा अभी सारे छूट गए, वो क्यों नहीं छूट के आए? उन्होंने कहा कि जेल रूल्स के तहत अभी मेरे घर वालों को इतला नहीं गई कि मेरी रिहाई के आर्डर है, और मुझे टेलीग्राम से मेरा नहीं मिला टिकट भी, इसीलिए मैं अभी जेल में हूँ। मैंने सुप्रीम को कहा इनको रहा करो। सो जिन लोगों से मैं इंस्पायर हुआ उन लोगों का कोई इतना बड़ा रोल नहीं था पाकिस्तान। एक दो और हजरात थे, वो बड़े नामवर थे, अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन लोगों ने उनको कोई कंधों पर नहीं उठाया क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास हराम की कमाई नहीं थी। तो जिसके पास हराम की कमाई हो, लूट मार का समा हो, और सारे लोग उसके पीछे हैं, क्योंकि ये लोग ये नहीं देखते कि क्या कह रहा है, ये देखते हैं कौन कह रहा है, और ये नहीं जल्द भूल जाते हैं कि ये सारी दौलत हमारी है जो इसने बनाई हुई है। दौलत तो ये आप समझते हैं कि सिर्फ पैसे के लिए सियासत हो रही है? कहते तो ये है कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौका भी कोई नहीं छोड़ते। तो सर इनको नहीं पता है कि कफन में जेब नहीं होते? ये सबको पता है, लेकिन मरना किसी को याद नहीं रहता था वक्त को मरना जाए। क्या स्टील के बने हुए ये सियासतदान जितने भी फाउंड्री से तो निकले हैं, स्टील के बने हैं कि नहीं ये नहीं पता। अच्छा बहुत। मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने को तैयार नहीं है या नून लीग आपके साथ बैठने को तैयार नहीं? दोनों ही मेरा ख्याल है। वो क्या कहते हैं, गुरूर हुस्न ने गुरूर इश्क हमें, वो आ नहीं सकते हम जा नहीं सकते। तो शेख साहब आप क्या समझते हैं कि जो अब मौजूदा सियासी क्यादत है इसमें कोई ऐसा बंदा है जो इस बंवर से हमें निकालेगा? कहना तो नहीं चाहिए, कोई इतने शायद बहुत अच्छे लोग भी हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क रोज़ बरोज़ दलदल में जा रहा है, इनमें अहलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है, वीएन नहीं है। ये बातें ज़रूर करते हैं, दे आर नॉट व्हाट दे आर, ये वो नहीं है जो हैं, ये जो इनके हाथी के दांत खाने के और हैं दिखाने के। इमरान खान के बारे में आप, इज़ ए नाइस मैन, लेकिन कौम माने तो सही। उनका अभी अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो बहुत वसी नहीं है, ठीक है, अभी उनको टाइम लगेगा मेरे ख्याल में, बहुत 18 साल तो हो गए हैं, पता नहीं कितना लगेगा। अब मेरा ख्याल है 18 साल बड़े होते हैं सियासत में। अच्छा 18 साल आप समझते हैं कि ठीक है उनको, मेरा ख्याल है एक दफा आजमाना तो चाहिए। दो बातें करनी होती, नोटिस ले लिया और नोटिस दे दिया, दो बातों में पाकिस्तान चल रहा है और आवाम समझ रही है वाकई नोटिस। ये पता नहीं ये नोटिस कौन सी होती है सर? वो उनका बाज़ का तो उनको उनका साइक्लो स्टाइल बयान तैयार होता है ना,
जैसे कोई खुदा ना खास्ता मर जाए, हादसा हो जाए, धमाका हो जाए, हमारे लीडरों ने मुजम्मत कंप्यूटर पे फीड किया हुआ है, वो उनका कंप्यूटर ऑपरेटर एकदम फैक्स वो ऑफलोड कर देता है, सब टीवी चैनलों पे मैसेज चला जाता है, हालांकि उसको पता ही नहीं होता कौन मर गया। बाटा रेट है, 5 लाख रुपए का ऐलान हो जाएगा, 5 लाख रुपए मरने वाले को मिलते हैं ये पैसे नहीं लो, अब तो लेट ही मिलते हैं, पहले तो मिल जाते थे, जिसको मरने का शौक हो उसके लिए 5 लाख रुपए 3-4 महीने में, अगर टीवी चैनल पे आ जाए तो 2 महीने में, अगर ना आए उसका जिक्र तो 4-5 महीने। तो आप समझते हैं कि मीडिया अपना रोल अदा कर रही है? कर तो रही है जितना उसने करना है, इससे ज्यादा क्या मीडिया जो है वो मीडिया से बहुत सारे जुलूस तो नहीं निकाल सकती बाहर, लोगों को शिकायत तो होती है ना। समझ गया सर, समझ गया। हम थर्ड अंपायर के पास जाएंगे, उससे पहले आपसे एक और सवाल कर लेते, कौन सी अदाकारा पसंद है, सॉरी अदाकार, पहले अदाकार की बात कर लेते हैं। अदाकार दिलीप मुझे पसंद है, दिलीप साहब, दिलीप साहब इज ऑफ कोर्स साहब ही कहें जी, आज एशिया के बहुत बड़े लेजेंड, बड़े सगीर पाको इनका बहुत बड़ा फनकार है, और यहाँ पे उमर शरीफ है, कैफी साहब है, अलाउद्दीन साहब थे, अच्छे फनकार। अदाकारा कौन सी पसंद है? अदाकारा को रहने दे, फड्डा हो जाएगा। एक बार फिर से खुश आमदीद जी शकील, थर्ड अंपायर के पास वापस आ गए, मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा, पूछ कर रहूंगा अदाकारा कौन सी पसंद है जी। जी सर अदाकारा बता दे, नहीं झगड़ा नहीं होगा, वादा रहा, मैं उनको समझाऊंगा, नाम ले लें जी, मरहूमों को भी याद रखना चाहिए, नूर जहां बहुत बड़ी फनकार थी। क्या इंकलाब आएगा या एक अखबार निकलता था इंकलाब, उसकी बात? अखबार इंकलाब ऐसे ही है हमारा, हम सारी ज़िंदगी ये नारा लगाते रहे कि एशिया सुर्ख है या एशिया सब्ज़ है, जो मैं स्कूल में नारा लगाता था ना जब बच्चा था कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, आज भी वही नारा, इतने साल गुजर गए, ज़ुबान के पक्के हम लोग, अब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, महंगाई नहीं चलेगी। देखें हमारा नसीब जो है ये हम मुकद्दर में गरीब आदमी लिखवा के लाया है कि हम उन लोगों को अपने सर पे बैठाते हैं जो हमारे नहीं हैं। बहुत अच्छी बात, हम उन लोगों को अपना रहबर और अपना निजात दहिंदा समझते हैं जिन्होंने ये मसाइल नहीं देखे, जिन्होंने कभी अस्पताल की लाल दवाई नहीं देखी, जिनको बच्चे को स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रॉब्लम नहीं हुई, जिनके बच्चे कभी बस से गिरे नहीं या बस के पीछे लटक कर स्कूल नहीं गए, जिन्होंने कभी मेरा मतलब है किराए के मकान से निकाले नहीं गए, जिनकी छत टपकती हो, ये सारे मसाइल हमारे हैं, लेकिन हमारी कोई आवाज़ नहीं असम्बलियों में, इस डिबेटिंग क्लब में हमारी कोई आवाज़ नहीं। इनकलाब एक नारा है, जब से मैंने आँख खुली है ये लग रहा है खुदा करे ये आए, लेकिन ये इनकलाब आए और इन लोगों को खाए, ये ना हो इनकलाब आए तो ये भी हमें ही खाए, हमें ही बर्बाद करे, हमारी फसलें उजाड़े, हमारे कारखाने तबाह करें। अगर इनकलाब ने आना है तो इस इनकलाब का कोई फ़ायदा जो है उस आम आदमी को पहुँचे जो पाकिस्तान में धक्के खा के आया, और ये वो इनकलाब की बातें कर रहे हैं जिनके तोते भी वहाँ से जहाज़ों में आए। बहुत क्या बात है, क्या कुछ है पंडारे में कोई? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, मोहब्बत और सियासत में कोई सच्चा नहीं होता, जिसे अपना समझते हैं कभी अपना नहीं होता। वाह, सियासतदान का वादा हो या महबूब का वादा, हमेशा हमने देखा है कभी पूरा नहीं होता, कभी सच्चा नहीं होता। सियासतदान का वादा हो या महबूब का वादा, हमेशा हमने देखा है कभी पूरा नहीं होता, ये कहकर टाल देती है हमेशा लड़की लड़के को, मैं तुझसे मिलने आ जाती जो गारब्बा नहीं होता। तो सियासतदानों के घर में भी अब्बा होते हैं, वो आवाम से नहीं मिलने दे रहे हैं। देखें जो असली सियासत और मोहब्बत इनके शेर के मुताबिक जो सच्चा आदमी होता है उसको तो हमेशा क्या कहते हैं सैंडल ही पढ़ते हैं। हाँ ये तो है, जो सच्चा आशिक होता है और सच्चा सियासतदान होता है उसको सैंडल पढ़ते हैं, उसको तो फिर उसकी रुसवाई। जो झूठा होता है वो इज्जत पाता है इस मुल्क में, झूठे आशिकों को ज्यादा बुलंदी मिलती है और झूठे सियासतदानों को ज्यादा तरक्की मिलती है, इस पे भी कोई शेर कहे ना। शेख साहब आपकी पेशेंट गोया करने वाले हिस कुछ कमजोर पड़ गई है, सर्दी की वजह से या धुंध की वजह से? नहीं मेरा ख्याल है
लोगों ने मुझे वैसे ही पेशन गोइयों की तरफ लगा दिया, जो मैं महसूस करता हूँ। मेरे पास कोई इलम तो नहीं है या कोई मैं कोई ऐसा इलम नहीं जानता। सिक्स जो सेंस अच्छी है आपकी। बास का सिक्स सेंस मेरी काम कर जाती है, बास का नहीं करती। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ या ज्योतिषी नहीं हूँ या मुझे ऐसा इलम नहीं आता, ना मेरा ऐसा अकीदा है, ना मैं इस पर बिलीव करता हूँ। लेकिन जब मुझे कोई कहता है कि ये बात कैसे होगी, मैं अपनी राय देता हूँ और उसके बाद कुछ ठीक हो जाती है, कुछ गलत हो जाती है। फिर अब सारे चैनलों ने किसी ने तोते वाला बना दिया है, किसी ने कुछ बना दिया। सो मुझे कोई इलम नहीं आता। मैं ये लोगों को कहता हूँ यार, कई लोग मैं जहाज़ में जाता हूँ मुझसे पूछने लगते हैं, अच्छा जी अब क्या होगा। मैंने कहा जहाज़ तो उतरने तो फिर बताता हूँ क्या होगा। कुछ कह रहे थे हमारे एक वज़ीर आला थे पंजाब के, उनका नाम भी परवेज था। तो साहब का सदर ने उनसे कुछ कहा, मेरा एक ख्याल है कि ऐसे कुछ बात हुई होगी, तो तज़मीन की है कि साहब का सदर साहब साहब का वज़ीर आला से कह रहे हैं कि न जाने क्या खता हो गई कि बदला है मूड तेरा, न जाने क्या खता हो गई कि बदला है मूड तेरा, तू आजा मेरी पार्टी में मैं मिन्नतें हजार करूं। वो ही कहूं मैं सदर तेरा, सुनाता था तू रोज जिसे, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम ही तो मेरे आका हो, मैं रोज इकरार करूं। 10 दफा भी वर्दी में मुंतखब कराने के लिए तैयार हैं, ये कहा था इन्होंने। तो अब वो क्या कह रहे हैं सदर साहब के बाद वज़ीर आला साहब पुराने, कि ऐ मेरे बॉस तू जिस दिन से है लंदन भागा, ऐ मेरे बॉस तू जिस दिन से है लंदन भागा, मुझको सब बातें तेरी लगने लगी ऊट पटांग, अब तेरे जिस्म पे वर्दी है ना तू बॉस मेरा, अब तेरे जिस्म पे वर्दी है ना तू सदर मेरा, मुझसे पहली सी से आसत मेरे महबूब नमाज, मुझसे पहली सी से आसत। ये शायरी का सवाब मैडम नूर जहां को पहुंचे, फैज को पहुंचे, फैज अहमद साहब। इनके वालिद भी बहुत बड़े शायर थे, अमीन गिलानी साहब, उनको भी पहुंचाएं। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम फिर आ गए यार, तुम फिर आ गए। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, तुम दोबारा आ रहे हो। जी मैं देखिए, क्यों आ रहे हो? मैं आपके इलाके में खड़ा हुआ हूँ। जीतेगा भी जीतेगा, चौधरी हमारा जीतेगा, आएगा भी आएगा, चौधरी हमारा आएगा। क्या करोगे तुम आने के बाद? देखो वो मैं ही चौधरी हूँ जिसके नारे में लगा रहा हूँ। तुम खुद अपने नारे खुद लगा रहे हो। और भाई मैं रात को सारा काम करता हूं, रात के उठ के चौकिंग भी करते हो, चौधरी को मार दो। यो कौन करता है? तुम खुद करते हो। मैं अपने खिलाफ लिखूंगा, न डर बेबाक, न झुकने वाला, न बिकने वाला, खोए वाला, मलाई वाला। तुम जैसे लोगों ने ये हाल कर दिया पाकिस्तान का। देखे मेरी बात सुने, आप मुझे वोट साहब आए हुए। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई सियासतदान है बहुत बड़े, लेकिन हम भी कम नहीं है। हाँ आप हमें वोट दे के देखिए, आप मुझे मौका दे, मैं आपकी आपको मौका दिया, आप हमें चौंका देंगे। नहीं 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 नहीं, आप मुझे वोट डालें, मैं आपकी नालियां पक्की कराऊंगा, आपकी गालियां पक्की कराऊंगा। माफ कीजिएगा, गालियां नहीं, गलियां कहने वाला था मैं। अच्छा। वो गलियां पक्की कराऊंगा, आपके सारे काम मैं करूंगा। आपको बिजली का बिल नहीं आएगा, आपको पानी का बिल नहीं आएगा, आपको गैस का बिल नहीं आएगा, क्योंकि ये सब कुछ भी नहीं आएगा। नहीं नहीं आएंगे तो भी नहीं आएगा। लेकिन आजकल तो माशाल्लाह से कुछ आए ना आए बिल जरूर आता है। देखें ये मुल्क चलाना है तो बिल देना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ मामला बिल का ही चल रहा है। आप मुझे एक मौका दें। हाँ। पहले भी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, बताइए। मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, शेख साहब को बताइए, मुझे 3 वोट पड़े, एक मैंने अपना डाला, एक मेरी बीवी ने, एक किसने डाला था? मैं वो बंदा ढूंढ रहा हूँ, मार डालूंगा उसे। तो शकील टाइप का आदमी था वो। ओ भाई मैं, हेलो तुम फिर मेरे पीछे आ गई हो, तुम्हें मैं घर छोड़ के आया था, तुम मेरे पीछे क्यों आ जाती हो? देखिए मेरी बीवी है। अबे काहे की बीवी है? हेलो जी, एनक उतारे, एनक। माफ कीजिएगा, मेरा विजन जरा कमजोर हो गया, मुझे हर लड़की बीवी लगने लगी है जब से मैं सियासतदान में आया हूँ। बात सुने, आपकी बात सही है। देखो अपनी वजीर की बेइज्जती मत करो। अपने वजीर अब तुम बने कहाँ हो? अरे बनने वाला हूँ मैं अनकरीब, बनने वाला। कभी भी अपने वजीर की बेइज्जती मत करो, क्योंकि सियासतदान
और खुसरे की बद्दुआ बहुत बुरी लगती है। सियासतदान आज हमारे आजकल के सियासत में आपसे भी कोई गलतियां हुई? जहर है, मैं इंसान हूँ, क्यों नहीं है? क्या हुई गलती? कई हुई होंगी, ये तो आवाम बेहतर फैसला करते हैं। आप कभी रियलाइज करते हैं कि मुझसे ये गलती हुई है, वो कोई एक बड़ी सी? नहीं, जब मैं किसी भी गलती से दोचार होता हूँ तो उसका तज़िया करता हूँ कि मुझसे क्यों गलती हुई, कैसे हुई, इसमें जानबूझकर हुई, टेक्निकली हुई या ऐसे हुआ। लेकिन हर गलती के बाद सोचता ज़रूर हूँ कि गलती हुई, क्योंकि हर गलती के बाद ही आदमी सीखता है। सही बात है, हर इंसान से गलती होती। मैं भी एक तरह का बहुत बड़ी गलती